इस दुनिया में एक मनुष्य किस प्रकार से जी सकता है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तीर्थंकर महावीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन को उस सत्य को प्राप्त करने के बाद में, उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में, उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा। महावीर का नाम जो है वो एक ऐसी नाव है जिसमें बैठोगे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, वो आराम से संसार के सागर को पार कर जाएगा। आइए मैं बस आप सबके समक्ष यह विचार एक प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि महावीर आपके जीवन के साथ है, आपके जीवन को सुगंधित करने के लिए है, आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए, आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए है। जिस श्रद्धा से तुम काम कर रहे हो, उसी श्रद्धा के साथ में, उस सम्मान के साथ में उस काम को पूरा करो। और पूरा करो इतना ही नहीं, विजयितना विसोक्तियम अचारंग सूत्र का बचा सूत्र है कि बस तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की शंका न हो कि मैं ये सत्कर्म करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, करूँ कि ना करूँ, वो तो नहीं करता, मुझे क्यों करना पड़ता है, किसी भी प्रकार की शंका के बिना बस सम्मान के साथ में उस काम को करो। तुम्हारे जीवन के लिए अगर कोई सूत्र हो सकता है, कोई मार्ग हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है, संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री। बस मेरा एक छोटा सा संदेश है, एक शब्द में ही महावीर का समग्र संदेश, समग्र ज्ञान बस उसी में है कि अगर कुछ कर सको तो सारे विश्व के जीवन के साथ में बस वो मित्रता स्थापित कर दो जो तुम्हारे सामने है, जिसमें तुम जी रहे हो, जिसमें तुम जी रहे हो वह क्षण ही तुम्हारे पास में। और जो पंडित है, जो प्राज्ञ व्यक्ति है, वो पीछे की भी परेशानी नहीं करता कि क्या हुआ और आगे क्या करूँगा, और उसके ही प्लानिंग में ही समय व्यतीत करता है, ऐसा नहीं। जो क्षण, जिस क्षण में वो जीत, उस क्षण को उसको पूरी तरह से जो सम्मान देता है, सही अर्थ में वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। भविष्य की चिंता करके अनावश्यक वर्तमान को हिंसा से व्याकुल करने वाले लोग भी इस संसार में हैं, लेकिन सेना हासाएं ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। महावीर कहते हैं जो अनासक्त व्यक्ति है, जो अनासक्त व्यक्ति है कर्म करता है, लेकिन दो ही चीज़ें हैं अनासक्त, आपने देखी होगी, एक कीचड़ में, किसको देखा है, कमल को, वो कमल कीचड़ में से आया है, और कीचड़ में से आकर के भी वो जो कमल है वो कैसा है, उस कीचड़ से अलग है। इसी प्रकार से जिसका जीवन अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, यश हो चाहे अपयश हो, सुविधा में हो चाहे असुविधा में हो, किसी भी प्रकार के जीवन में जो अनासक्त होकर के जीवित होता है, वह व्यक्ति क्षण से मुक्त है, उसे संसार में वह मुक्त है। मैं अपनी जिंदगी में महावीर की बस, मतलब जैसे कोई कृष्ण के लिए मीरा है, मैं महावीर के लिए, मुझे महावीर के प्रति अपार श्रद्धा है, और बस उस श्रद्धा से मैं उन्हें देखती हूँ कि मुझे सिर्फ उनका जीवन, उनके शब्द, उन्होंने जिस तरह से लोगों को मार्गदर्शन दिया अप्रतिम है। पढ़े हैं मैंने बहुत सारे ग्रंथों के अध्ययनों में से, मैं उपनिषद भी पढ़े हैं, हाँ बौद्ध ग्रंथ भी पढ़े हैं बहुत सारे, लेकिन जिस तरह से मैंने महावीर को देखा है, महावीर को पढ़ा है, अप्रतिम है, अप्रतिम है, अप्रतिम है। कोई भी शब्द उन्होंने अपने साथ नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, मेरे पीछे चलो, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा फॉलो मी, उनका वॉक टुगेदर विद मी। महावीर तो